आर्यव्रत एजुकेशनल वेलफेयर एवं चैरिटेबल सोसाइटी ने महिला उत्थान एवं समाज में सजगता के लिए नई पहल शुरू की है, ताकि दूरदराज ग्रामीण महिलाओं तक सेवा, सुविधा एवं सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिल सके। इसे लेकर हर पंचायत में हमारी भावटी यानी सखी रखी है। पहाड़ी क्षेत्र में पुराने समय में भावटी यानी दुख सुख की परम सखियाँ होती थी। उसी परंपरा के अनुरूप सखी का दायरा 2 से बढ़ाकर पूरे पंचायत की महिलाओं की होगी। संस्था ने अब तक 50 से अधिक ऐसी सखियों का चयन कर पंचायतों में रखा है। ऐसे में महारी भावटी एक सखी बनकर उनके हर दुख सुख में साथ देगी। इसे लेकर आज आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने महिलाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का रामपुर में आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सरकार में हिमको फेड के अध्यक्ष कौल सिंह नेगी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर भारती आज़ाद मौजूद रहे। एप्पल न्यूज़ के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। और वहीं पे उसकी मित्रता होती थी, और वो ऐसी मित्रता होती थी जिनके साथ वो मित्रता लगाती थी, जो उनके हर सुख दुख में साथ देती थी, उनके घर आना जाना, उनके सामान को शेयर करना, उनके सुख दुख में भागीदारी बनना, उस तरीके की मित्रता होती थी, उसको भावटी कहते थे। यानी उनकी हर समय उनके साथ रहना, सुख दुख में घरों में आना जाना, हर तरह से उनके साथ एक परिवार के रूप में वो एक परिवार का अंग माना जाता था। और आज जब हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा एक जो कम्युनिकेशन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कारण कहीं ना कहीं जो भावटी एक मित्रता थी, जो सच्ची मित्रता थी, वो कहीं ना कहीं कमी उसमें देखने को मिली है। और आर्यवर्त सोसाइटी द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की है कि हम हर पंचायत में एक भावटी हम दें, जो पूरे पंचायत में हर महिलाओं के बीच में जाए, घर घर में जाए, ऐसे महिलाओं के विषय में जो समस्या आती है, हम देखते हैं कि एक हाइजीन की समस्या है और हेल्थ के कई इश्यूज़ हैं जिनको वो शेयर नहीं कर सकती है। आज भी गांव में हम देखेंगे तो कई प्रकार की समस्या है, एनीमिया की समस्या हम देखते हैं गांव में बहुत ज़्यादा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं उस बात को शेयर नहीं करती है, उस तरह की मित्रता आज भी नहीं है जिससे वो शेयर कर सकती है। और एक भावटी हर पंचायत में आर्यवर्त सोसाइटी के द्वारा तय की गई है, और ऐसे 54 पंचायत है, 54 पंचायत में से एक एक भावटी आर्यवर्त सोसाइटी के नाते हर पंचायत के हर गांव में जाएगी, महिलाओं से बातचीत करेगी, उनके सुख दुख को समझेगी, ऐसे उनको हेल्थ इश्यूज को लेकर अवेयर करेगी। इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ असल में जो गरीब है, गांव के लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, ऐसे इन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेगी और उनका समाधान क्या हो सकता है। ऐसे आज इसमें फीमेल डॉक्टर यहाँ पर आई है, पूरा उनको एक कार्यशाला के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करेगी कि महिलाओं के विषय में